ओवर एक्टिंग करना पड़ेगा मेरे को भाई, ओवर एक्टिंग करना पड़ेगा भाई ये कब सुधरेगा, टी सीरीज वाला कब सुधरेगा भाई। मुझे लग रहा है गाइस कार्तिक का फ्यूचर टी सीरीज भाई घोटाले में डाल देगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ करके रहेगा भाई साहब। यहाँ पर टी सीरीज को ये समझना होगा कि अगर आप अपने गानों का रिक्रिएशन करते हैं, फिर से रिमिक्सिंग करते हैं भैया, यहाँ पर एटलीस्ट ओरिजिनल सिंगर्स को पूरा कंट्रोल दो, जबरदस्ती क्यों यहाँ पर छेड़खानी करने की कोशिश करते हो। एंड एक और चीज़ यार, टी सीरीज को इतनी अकल नहीं भाई कि अगर आप अपने पुराने गानों की रिक्रिएशन करते हैं तो एटलीस्ट ओरिजिनल हीरो को लेकर के आओ भाई सीन के अंदर। अभी अक्षय पाजी ने भाई साहब यहाँ पर मैं खिलाड़ी का अगर रिक्रिएशन उन्होंने किया, सो वहाँ पर अक्षय कुमार खुद थे, उन्होंने उस सारे चीज़ का ध्यान रखा, वो एनर्जी लोगों को फील करवाई। एंड आपको इतनी छोटी सी चीज़ नहीं समझती कि अगर आप यहाँ पर कैरेक्टर ढीला जैसे एक शानदार चार्ट बशर सॉन्ग को रिक्रिएट कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको एक झलक सलमान खान की दिखानी चाहिए थी, कहीं ना कहीं किसी भी तरह से इस सीन के अंदर घुसा देते तो कहीं ना कहीं आपके इस मूवी का ही भला होता। और मैं क्या बोलूँ कार्तिक भाई को, मेरे को समझ में आया भाई, कार्तिक भाई आप प्रोड्यूसर हो इस मूवी के, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ कंट्रोल लेने की ज़रूरत है भाई। आपको चीज़ समझनी होगी कि रिक्रिएशन मतलब लोग ओरिजिनल बंदों को कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं, और आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी भाई। मतलब रिक्रिएशन तो आपने कर दिया, एंड रिक्रिएशन की भी अंदर बात करता हूँ, यहाँ पर आपके दोनों सिंगर्स थे नीरज श्रीधर और अमृता काक, इन दोनों को आपको रखना चाहिए था, सिर्फ आपने मेल वर्जन इसके रखा, फीमेल वर्जन पूरा का पूरा गायब कर दिया, कहीं ना कहीं वो मिसिंग दिखाई दे रहा है। और बाकी मैं क्या बोलूँ, बाकी सब ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ बोलने लायक है ही नहीं इस गाने के अंदर भाई। आधा आधा घंटे के ऊपर हो गया, मैं देखता हूँ 2 लाख से 2 लाख के आसपास व्यूज़ हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई नहीं फ़ायदा हो रहा है, इसका बज़ नहीं बन रहा है। सिंपल सी बात है, एक बहुत बड़े चार्ट बस्टर सॉन्ग को आपने वेस्ट कर दिया, ऐसे ही वेस्ट कर दिया। आई होप कि भाई साहब यहाँ पर इस गाने को थोड़ा सपोर्ट मिले भाई, 200 मिलियन जैसे चैनल के ऊपर इसको रिलीज़ किया हो, थोड़ा सा ध्यान दे देते सलमान खान का, अगर थोड़ा सा कैमियो अगर आप इसके अंदर डाल देते कहीं ना कहीं एक ज़बरदस्त मज़ा आ जाता। और कार्तिक भाई को मैं बोलना चाहूँगा, कार्तिक भाई आपको चीज़ समझनी पड़ेगी, टी सीरीज़ लोग के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आपने जो इतनी मेहनत की है अपना एक नाम बनाने के लिए, कहीं ना कहीं टी सीरीज़ को बुखार के ख़राब कर सकता है, तो प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान दो। और बाकी सब ठीक है, मतलब शहजादा का देखते हैं शहजादा किस तरह से असर डालता है बॉक्स ऑफिस के ऊपर। एंड खुशखबरी तो यह है कि शहजादा का जो आला वैकुंठ फुरमुलो भाई साहब रिलीज़ होते होते बच गया, यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर आने वाला था, कहीं ना कहीं यहाँ पर अल्लू अर्जुन ने बचा लिया इसको मेन टाइम पर। लेट्स सी क्या जादू चलाता है शहजादा। और कैरेक्टर ढीला क्या बोलूँ यार, 2.0 ही रह गया, मतलब मैं सोचा था इसको 2.0 एक अलग लेवल का होगा, बट वो चार्म वो मजा वो फीलिंग नहीं मिली, और पता नहीं क्यों नहीं मिली, आपको मिली होगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। मिलते हैं तब तक, बाय बाय।